मैंने फ्री फायर को खेलना शुरू किया था। लगभग 2.5-3 साल बाद मैंने उनसे बात किया। फिर याद आया वो दिन, वो समय जब हम साथ में फ्री फायर खेला करते थे, जब हर समय क्लास में फ्री फायर की बातें हुआ करती थी। जब हम स्कूल से आते थे, सीधा घर आते, बैग एक तरफ रखते, बिना कपड़े बदले, बिना खाना खाए, बिना हाथ मुंह धोए हम बैठ जाते थे फोन लेके फ्री फायर खेलने के लिए। क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? क्या वो फ्री फायर के मजे वापस आ सकते हैं क्या? सच में यार, वो भी क्या दिन थे जब फ्री फायर में किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता था, न टॉपअप का झंझट होता था, न फ्री फायर के ड्रेसेस और कैरेक्टर का टेंशन। बस था तो सिर्फ गेम खेलना और गेम खेलना। कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ 3-4 कैरेक्टर हुआ करते थे, एडम, ईव, क्ला, एंड्रयू, बस इतना ही था जो था। क्ला लेके हम फैक्ट्री के ऊपर जाया करते थे, क्ला लेके रैंक पुश हुआ करता था फैक्ट्री के ऊपर। उस समय फैक्ट्री के ऊपर 40 से 50 बंदे आया करते थे, जिधर फिस्ट फाइट करने में यकीन मानो जो मजा था। जो लोगों को वो चीजें याद होंगी, कसम से भाई, तुमने फ्री फायर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा समय में। अब तो ना उस फैक्ट्री पे बंदे होते हैं और ना ही कोई रैंक पुश। वो फैक्ट्री अब बहुत सुना सुना लगता है। जब रात के टाइम हम चोरी छुपके गेम खेला करते थे, एकदम से डर लग जाता था जब वो आता था। उसका नाम हुआ करता था ड्रैगन। जब ड्रैगन चिल्लाता था लोग बहुत ज्यादा डर जाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। और मैच शुरू होते ही अगर गलती से ग्लाइडर मिल गया तो हम ये भूल जाते थे कि हमें फाइट भी करना है, रैंक पुश भी करना है। हम पंछी बन के पूरे मैप में घूमते थे। भाई क्या तो वो दिन थे यार। गेम में ग्लाइडर हुआ करता था, ग्लाइडर से हम पंछी बन के पूरे मैप में घूमते थे। पीक से शुरुआत करते थे, फैक्ट्री के छत पे पहुंचते थे, फैक्ट्री से शुरुआत करते थे, ऑब्जर्वेटरी पे पहुंचते थे। इतने लंबे लंबे हम छलांग मारा करते थे उस चिड़िया से, उस ग्लाइडर से। वो भी क्या दिन थे। क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? और वो डेथ अपराइजिंग वाला मोड, वो भी क्या कोई भूल सकता है? जिसके अंदर जब हमें गेम में मन ना लगता था, जाते थे और थैनोस को इतना पीटते थे कि हमारा सारा गुस्सा उतर जाया करता था। यार क्या तो मोड था वो, और क्या तो वो दिन थे। रस आवर का मोड हुआ करता था, जिसके अंदर डबल AWM लेके हम लोग अच्छू भाई बना करते थे, AWM से फटके पे फटके दिया करते थे। अरे ये तो छोड़ो, डिस्कॉर्ड में रह के 50-50 बंदे डुओ लगा के ऑटो मैच ऑफ करके परगेट्री में जाया करते थे। और परगेट्री के वो 7 घर, उसको भला कोई कैसे भूल सकता है, उसके अंदर हम फाइट किया करते थे। फिर कुछ समय बाद आया 1v1 का राउंड, तब हम कॉल पे रह के 1v1 किया करते थे। फिर आया फ्री फायर पे काला साया, जिसका नाम था DJ आलोक। यूट्यूबर्स ने गिव अवे कर करके पूरे गेम को बर्बाद कर दिया, अपने चंद फायदों के लिए लोगों को मैन्युपुलेट करके, बच्चे से लेके बड़े तक के दिमाग में ये डाला कि ड्रेसेज ही सब कुछ है, गन ही सब कुछ है, कैरेक्टर ही सब कुछ है। अब ना वो गेम के मजे बचे, ना ही वो गेम बचा। अब लोगों को मतलब है सिर्फ डायमंड से। हर रोज इधर कितने सारे डेथ होते हैं, सुसाइड होते हैं, स्कैम होते हैं, गिव अवे होते हैं इस फ्री फायर के वजह से। ना वो मजे हैं, ना किसी को खेलने में इंटरेस्ट। यादों के नाम पे बस हमारे साथ बस यही कुछ यादें जुड़ी। अब और ना अच्छी यादें बची है, ना ही कोई फ्यूचर। और वर्तमान की बात तो भाई बस पूछो ही मत, गेम का कोई फ्यूचर ही नहीं है। कब गेम खत्म हो जाए, किस पल गेम बैन हो जाए, किसी को कोई भी खबर नहीं। अब यही कुछ यादें हैं जो गेम बैन होने के बाद हमारे साथ रहेंगी। इन यादों को अगर समेट सकते हो समेट लो, अपने पास रख सकते हो रख लो, यादें बना के। बस यही बोलूंगा, वो भी क्या दिन थे। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा छोटा सा मेहनत, छोटी सी चीज जो कि मेरे को याद आई कल, और मैं सोचा आप लोगों के साथ में मेरे को शेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जो यादें हैं ना हमारी, इन यादों को भाई कसम से अपने दिल से, हम कभी भी कितने ही बड़े हो जाएं, अगर हमारे बच्चे हमसे कल पूछेंगे कि पापा अपने सबसे अच्छा अपनी ज़िंदगी का कौन सा पल जिया, तो हम बोलेंगे वो फ्री फायर के दिन। भाई एक चीज़ तो है, फ्री फायर को जितना हमने प्यार करा है और फ्री फायर ने हमें जितना प्यार दिया है, वो कोई भी नहीं दे सकता। यार एक लड़की से प्यार करोगे ना, वो धोखा दे के चली जाएगी, लेकिन फ्री फायर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। लव यू फ्री फायर, लव यू ऑल गाइस। आप सभी लोगों का इतना प्यार था जो मेरे को यहाँ तक लेके आया। अब पता नहीं गेम बैन होने के बाद मैं कहाँ रहूँगा, आप कहाँ रहोगे, बट थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
एंड यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ जिनके साथ आपने फ्री फायर के ऐसे पल गुजारे हैं, जिनके साथ आपने गेम की शुरुआत करी थी, उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को। एंड इस वीडियो पे जितना लाइक कर सकते हो कर देना, कोई भी लाइक टारगेट नहीं है, बस दिल से जितना आप लाइक कर सकते हो कर देना। एंड यार अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सबके सब सब्सक्राइब कर लेना।